बार एंड बेंच गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों ने मिल के जो है वो चलना होता है। तो वो कुछ मतलब एलिमेंट होते हैं जो मतलब मुख्तलिफ तरीके से जो है वो थ्रेटनिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। ये प्रोफेशनल वकील का काम नहीं है कि कोर्ट को थ्रेट करें, उसका काम है कि अपने केस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। हमारे सीनियर यही हमें सिखाते हैं, यही हमें सिखाया है। और एक रूल है बीबीसी का रूल जो है वो बिफोर कोर्ट, वो बिफोर कोर्ट कि कोर्ट के सामने आपने हमेशा झुके रहना है। कोर्ट को, जुडिशियल ऑफिसर्स को हमने रिस्पेक्ट देनी है। अगर हम जुडिशियल ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो भी हमें उतनी ही जो है वो इज्जत देंगे। और आप देखेंगे जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप जजेस की गुड बुक में आ जाते हैं कि ये बंदा जो है बड़ा कॉम्पिटेंट है और कभी भी जो है वो कोर्ट से प्रोफेशनल वे के अलावा जो है वो बात नहीं करता। और वो रिलीफ तो उनके कलम में होता है ना, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कोर्ट के पास, तो उन्होंने माहौल के मुताबिक भी बाज़ का चीज़ों को देखना होता है। अगर आप गुड बुक में शामिल आ जाते तो इसका हो जाते हैं, तो मतलब मेरा ख्याल है कि आपको मतलब बेहतर अंदाज में जो है वो कुछ रिलीफ जो है वो मिल जाता है। तो अपने आप को बेहतर करें, बीबीसी के रूल पे जो है वो अमल करें और इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। और स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं हमारे, उनके लिए है वो कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे बाज़ात बैठ जाते हैं कि जहाँ पे जो है ना वो बदमाशियाँ या अदरवाइज कोई चीज़ शुरू हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने कैरियर को ख़राब ना करें। आज आप वकील हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, फिर आपने हो सकता है कि आपने जुडिशियल ऑफिसर बनना, आप एग्ज़ाम में जाएं, पास करें, वहाँ पे आप चले जाएं, मतलब सिविल जजेस के लिए चले जाएं, आपने फिर एएसए के लिए जाना है, अलग करें आप हाई कोर्ट के जजेस भी जो बने, तो आपका अगर चीज़ें जो क्लियर होगी, आपका पास जो क्लियर होगा, आपका जो रिपोर्ट है जो पॉजिटिव जो है वो मिलेगी, तो तभी जो है आप जुडिशियल जो है सीट्स के ऊपर जो है वो जा सकेंगे। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो बड़ी काउंट होती है। और मैं ये समझता हूँ और मैंने उस्तादों से सीखा है कि हम्बल रहना चाहिए प्रोफेशनल के, वो हम्बलनेस के साथ जो है वो अपना केस जो है वो प्लीट करना चाहिए और उसी तरीके से अपने केस को जो है प्रेजेंट करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाज़ात नज़र नहीं आती, बाज़ात समझ नहीं आती इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सीनियरिटी आती चली जाती है फिर अंदाज़ा होता है कि यार इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। तो खुसूसन जो यंग लॉयर्स हैं उनसे मतलब ज़रूर ये रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप इस चीज़ को माइंड में रखें और एक अच्छे माहौल में कोर्ट के अंदर जो है अपने केस को जो है प्रेजेंट करें। और मैंने बेशुमार जजेस को देखा है कि वो जब देखते हैं कि जूनियर्स हैं, यंग हैं और अभी न्यू कमर हैं, तो वो खुद गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। और वो इसी सूरत में होगा जब आप ना कोर्ट के साथ एक फ्रेंडशिप वाला जो है वो माहौल चलेंगे। और गाड़ी में जब चलाने हैं दो पहिए आप हैं तो आप अगर ऐसे होंगे तो फिर प्रॉब्लम गाड़ी में होगी, और अगर आप वो ऐसे हो जाएंगे फिर प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे होते हैं तो फिर भी गाड़ी को चलने में, तो गाड़ी उसी वक्त चलेगी जब दोनों पहिए जो है वो बैलेंस हो गए और कोर्ट के सामने हम जो है बैलेंस पोजीशन में हम चलेंगे। एक अदब का, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हम रखेंगे तो यकीन आने वाले वक्त के हम एक कामयाब वकील हैं और सबसे महंगे वकील हैं इंशाल्लाह। ये तो हो गया हमारा जो है रवैया जो है एटीट्यूड है वो कोर्ट की तरफ। अब हमने जब देखना होता है, मिलना होता है, तो हमने कोर्ट के अलावा भी कोई मतलब स्टेक होल्डर है हमारे साथ है, हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसमें भी बड़े वाज़े अंदाज में जो है वो लिखा हुआ है कि किन के साथ हमने डील करना। भाई हमने जो है ना कोर्ट के अलावा जो है हमारा जो अपोनेंट काउंसिल होते हैं हम उनके साथ जो है वो डील करना होता है, हमने जो है वो अपने एसोसिएट्स के साथ डील करना होता है, हमने जो है वो अपने क्लाइंट के साथ जो है वो डीलिंग करनी होती है, और इसके साथ जो है वो जनरल पब्लिक के साथ हमने डीलिंग करनी होती है। तो उनकी तरफ भी आपका रवैया जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आपने अगर लड़ना है तो आर्ग्यूमेंट से लड़ें, जजमेंट के साथ, अथॉरिटी के साथ जो है वो लेके कोर्ट के सामने आए, और इससे आपको एक क्लाइंट को पता चलेगा कि मेरा जो लॉयर है वो एक कंपिटेंट लॉयर है। जब उसके जहन में ये बात आ जाती है कि मेरा लॉयर जो है वो कंपिटेंट लॉयर है,
केस का जो भी मतलब डिसीजन हो, लेकिन आपने तो फाइट की, आप तो लड़े हैं, आपने तो अपना काम जो है पूरा किया, आपने तो अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट की है, उसी के नंबर देंगे। और एक क्लाइंट जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है, वो जो है आपके लिए समझिए एक फैक्ट्री है, कि वो एक दूसरे दोस्त को रेफर करता, तीसरे को, चौथे को, और इसी तरीके से वो रेफर करता चला जाता है। और आप सेटिस्फाइड क्लाइंट को समझिए कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका एसेट है, जो आपको जो है वो जनरेट रेवेन्यू करके दे रहा है। तो उनके साथ जो है हमने खसूसी तौर पे जो है वो जनरल पब्लिक के साथ जो है वो सॉफ्ट इमेज के साथ हमने जो है वो जो है बातचीत करनी होती है। और फिर जब जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो हमारा इमेज थोड़ा सा वो बड़ा है, और बाज़ कार जो है वो मतलब मीडिया वाले भी हमें जो वो कह देते हैं कि वकला गर्दी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे मतलब स्टिग्मा है ऑन द फेस ऑफ ब्लैक कोट। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें हर जगह पे, हर वक्त जो है, हर फोरम में एक सॉफ्ट इमेज जो है वो देना चाहिए, क्योंकि जो वकील है ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का नाम है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक भी है। तो वकील जब हमें दोनों सिफतें हमें मिल गई हैं, तो जनाबे अली हम देखें कि हम मतलब क्या है। तो इसके साथ साथ आप तवक्कुल को भी साथ ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फीसिस में भी इजाफा होगा, आपके पास क्लाइंटेज भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो डीलिंग है, आपका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है, वो आपको जनरल पब्लिक में भी मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके साथ साथ जो हमारी बार है वहाँ पर भी लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये वकील कैसे है, इसका माइंड क्या है, और ये कैसे लोगों के साथ जो है वो डील करता है। और यकीन करें कि अगर हम ऐसे जो है वो एक लीड करने वाले की हैसियत में आ जाएं, हम लीड करें इस हवाले से चीज़ों को, तो बेशुमार जो है लॉयर्स हैं वो आपके पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं कि यार ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट वकील है, हमने इसको कॉपी करना है, हमने इसको कॉपी करके जो है वो आगे जो है बढ़ना है। तो होप्स हो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बड़ी जो है वो बेटरमेंट आ रही है, बड़ी तब्दीली आ रही है, बड़ी चेंज आ रही है हमारी बार के अंदर। जो है वो ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह जो वो स्टार्ट हो चुकी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। तो इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में हम मज़ीद बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। और बदलना तो हमने है ना, अपने आप को, इंडिविजुअल को बदलना है, तो हम अपने आप को बदलते चले जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो सारी हमारी कम्यूनिटी जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। और जो चंद एलिमेंट हैं मतलब जिनकी वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी उनकी मजबूरी होती होगी, अदरवाइज कोई इशू होता होगा तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हम जो है अपने प्रोफेशन के ऊपर जो है फ़ख्र करेंगे, हम भी करते हैं और लोग भी, जनरल पब्लिक भी जो है वो करेगी। और लेकिन हमें इस हवाले से खुद जो है वो स्टेप अप जो है वो करना है, स्टेप फॉरवर्ड जो है वो करना है, ताकि जो है वो तब्दीली हो, चेंज हो, और लोगों को हमारे बारे में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो मिले। मैं गुजारिश करूँ कि जैसे हमारा जो स्टेट सिस्टम चल रहा होता है, बल्दियाती सिस्टम है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल सिस्टम है, फिर नेशनल सिस्टम है, और हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होते हैं, फिर उसी तरीके से नीचे हम आते चले जाते हैं। उसी तरीके से जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, रूहानियत का सिस्टम, वो भी इसके पैरेलल जो चल रहा होता है। जैसे स्टेट सिस्टम में जो ऑफिसर्स होते हैं और रैंक होते हैं, इसी तरीके जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, इसमें भी जो है वो एक डेजिग्नेशन होती है अल्लाह ताला की तरफ से, वो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया होता है, जो अल्लाह के बताए हुए जो असूलों के मुताबिक, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी भी ड्यूटीज़ लगी होती हैं कि आपके पास ये एरिया है, आपने इसको लुक आफ्टर करना है, आपने इसको लुक आफ्टर करना है, आपने इस, तो वहाँ पे भी डेजिग्नेशन है नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे जो है होती है, और बंदे की जो वो जिम्मेदारियाँ जो है वो लगी होती है। मुझे जो रूहानियत का अल्लाह ताला की तरफ से जो मतलब पता होता है लोगों को, मैं एक दफ़ा बड़ा हैरान हुआ कि बाज़ लोगों किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो इस सिस्टम के ज़रिए से जो है वो लोगों से काम ले रहा होता है, और लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो गया। मैं मतलब ये
दोनों अच्छे साथ की बात है कि मैं लाहौर लारी अड्डे से चिन्योट जाने के लिए जो है वो निकला। चिन्योट से आगे 14 किलोमीटर के ऊपर एक पंगू बोर्ड है और वहाँ पे एक हमने स्कूल बनाया, तो स्कूल के सिस्टम में हमने जाना था, तो छुट्टियाँ थी और इसके बाद मैंने जाना था। रात के 10 बजे तकरीबन जो है मैं लारी अड्डे पहुँचा और वहाँ पर मैंने एक बस में मुझे सीट मिली और कंडक्टर से कुछ तू तकरार हो गई और उस वजह से मैं जो है वो बस से नीचे उतर आया। तो काफ़ी देर के बाद मुझे कोई बस नहीं मिली चन्नीवट जाने वाली या झंग जाने वाली, तो घंटा डेढ़ घंटा इसी इंतज़ार में गुजरा और फिर एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद मुझे एक बस में सीट मिली। जब सीट मिली तो वो बस जो है वो चन्नीवट तक जा रही थी, तो मैंने टिकट ले ली कि सुबह जो है वो ज़ाहिर स्कूल में जाना था, तो मैंने टिकट ले ली और मैं रात के मतलब 2-2.5 बजे के करीब जो है मैं चन्नीवट जो है मेन अड्डे पे पहुँचा। और उस वक्त चूँकि चन्नीवट डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो तहसील थी, तो तहसील चौक में मैं उतर गया और वहाँ पे इंतज़ार करने लगा कि आगे जो है ना जो झंग की तरफ बस जाती है उस पे बैठूँगा, तो वहाँ पे आगे जो पंगू मोड़ है चन्नीवट से 14 किलोमीटर, तो वहाँ पर उतर जाऊँगा। अब आधा पौना घंटा इसी इंतज़ार में गुजर गया, जो बस आ रही है वो झंग की जा रही है, वो जिनसे पूछता वो कहते नहीं हमने तो वहाँ पर आपको उतारना नहीं, हमने बिल्कुल भी आपको वहाँ पे उतारना नहीं है, हम तो सिर्फ झंग के लिए जा रहे हैं। पर इंतज़ार करते करते आखिर जो है मेरे जहन में मतलब वाकई ऐसे तो मतलब बड़ा मसला बन जाएगा कि नहीं पहुँच सकूँगा, तो मैंने कहा अच्छा जो किराया जो लेते हैं हम झंग का दे देंगे, तो कुछ गलत बयानी भी। उसने कहा जी कि बस आई कहाँ जाना है, मैं कहा जी मतलब झंग जाना, मैं बह गया। एक बाबा जी थे वो भी जो है ना वहाँ पे खड़े हुए थे और उन्होंने भी उसी जगह पे जाना था जहाँ पे मैंने जाना था, और उनको बस भी नहीं मिल रही थी, उनको भी जो है मैंने कहा कि आज बाबा जी तुम भी बैठ जाओ, वो भी बैठ गए। अच्छा अब उस वक्त जो किराया था ना चन्नीवट से झंग का वो 80 रुपये था, 80 रुपीज़ था। जब वो कनेक्टर मेरे पास आया तो मैंने उसको 80 रुपये दिए और 80 रुपये देने के बाद मैंने कहा ये भाई झंग का किराया आपका पूरा है और मुझे आपने ये 14 किलोमीटर के बाद उतार देना है पंगू मोड़ के। तो उसने कहा कि ठीक है। अब जब बाबा जी की बारी आई तो बाबा जी के पास पैसे नहीं थे, वो चन्नीवट तक ही पैसे थे और या उस जगह तक के लिए पैसे थे जहाँ पे हमें उतरना था, तो वो बड़ी तूत तकार होनी शुरू हो गई कंडक्टर और बाबा जी की। तो बाबा जी बड़े सहमे हुए, बड़े मतलब अजीब सी हालत में, अब उनके पास पैसे नहीं थे और कंडक्टर कह रहा था कि मैं आप कैसे बैठ गए, मैं आपको उतार देता हूँ, ये वो जिस जो उनका रवैया होता है आमतौर पर। और मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप, मैंने मुझसे पैसे ले लिए, मैंने उनको पैसे जो है बाबा जी से मतलब ना पैसे लिए, मैंने उनको पैसे दे दिए, पैसे दिए और वहाँ पर जाके हम दोनों उतर गए। मैं अभी सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, मैंने सड़क क्रॉस करके बस से उतर के आगे जाना था, मैंने पीछे देखा तो मुझे कोई भी बंदा वहाँ पर नज़र नहीं आया, शायद मैं थोड़े से लेट हो गया। बाद तो बाद में मैं सोचता रहा कि मैं मतलब क्यों लेट हुआ, और डेढ़ घंटा जो लारी अड्डे पर लेट हुआ या मुझे कराया गया, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई। और बाद में कभी कभी जहन में ये चीज़ आती है कि हो सकता है कि उन बुज़ुर्गों के लिए करवाया गया हो लेट, कि उनको प्रॉब्लम होनी थी, उनको इशू होना था और शायद मेरी वजह से कोई सलूशन वगैरह जो है वो मिलनी थी, तो मुझे नहीं मतलब चीज़ें समझ आई। और फिर मैंने कभी बुज़ुर्गों से भी मतलब दोस्तों से भी डिस्कस किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है फिर सामने आती हैं, मामला भी सामने आते हैं। तो अल्लाह ने जब किसी से काम लेना होता तो उसको पता भी नहीं चलता जो है, क्योंकि निज़ाम जो है वो दोनों जो है वो चल रहे होते हैं, मैनेजमेंट दोनों की जेब हो रही होती है। तो हमें शुक्र करना चाहिए कि अगर आप किसी का कोई काम कर रहे हैं अल्लाह का, और शुक्र इस अंदाज में करना कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने मुझसे ये काम ले लिया, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं ये काम कर सकता। तो हमें मतलब अपने लेवल पे जहाँ पर भी हो सके हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, बाज़ अवकात जानने में होती है, बाज़ अवकात अनजाने में भी, जैसे भी हो आप देने वाले बन जाएं। ये वाला हाथ जो कभी भी ना रखें, ये वाला हाथ रखें, और जब आप ये वाला हाथ रखेंगे तो इससे इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, और जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा ना करें। यकीनी तौर पे आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और उसकी ज़ात पे मैं ऐसे यकीन रखती हूँ जैसे कदमों के नीचे ज़मीन रखती हूँ, और जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम रह।
ये यकीन रखें अल्लाह आपको देख रहा है और आपके हर अच्छे बुरे काम को जो है उसकी भी वीडियो बन रही है, जैसे इस वक्त हमारी वीडियो जो है वो बन रही है और वो वीडियोज़ निकल रही है। अल्लाह करे कि जब वो वीडियोज़ ओपन हों, वो वीडियो जब लीक हों तो सारी की सारी अच्छी हों, हमें अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और मखलूक के सामने शर्मिंदगी ना उठाना।